मंगल जी, कल हम उन लड़कों को तलाशने के लिए आ रहे हैं जिन्होंने वो बच्ची को बचाया था। आप थोड़ा समय दे पाएंगे हमको सुबह? जी, सोमवार चौक पे सर मिलेंगे। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम अमिताभ पराशर है। हमको बताइएगा कि ये कैसे हुआ एग्जैक्टली? सर, हम लोग इसी तरह दौड़ रहे थे, यहाँ आके कसरत वसरत कर रहे थे। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी आया, बोला कि वो उस जगह जिंदा बच्चा है, तो जाके देखो तुम। गए तो बच्चा जो है कर्ची में रखा हुआ था। बच्चा बच्चा जिंदी है। बच्चा 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 कपड़ा समेट ले। अरे लक्ष्मी के फील्ड पर को, एक इंसान के जीवन दान देना है। अच्छा, इस जगह पे? जी जी जी, लड़की का फोन आता। आप लोग जो काम किए हैं ना, वो सॉरी, बहुत ही क्या कहें, इट वॉज हार्ड टू एक्सप्लेन टू दोज यंग मैन व्हाई आई वाज सो मूव्ड। वाज इट बिकॉज दे हैड सेव्ड लाइफ? Was it because this child had come so close to dying? Or was I weeping for those other babies? Girls, all of them, who had been thrown away or murdered in the 30 years I have been following this story. कितना का बच्चा तो मारला है वो अंदाज? अंदाज से कम 15-20 ज्यादा ने। केना मारे रे? नट्टी पकड़ी मचारी दे। केना? ना का ये गला से ना, गला पकड़ के मारते थे, नमक चटा कर को मारते थे, और ले जाकर को जंगल में, जहाँ पर जंगल रहता था वहां पर देते थे, गाड़ देते थे। The woman confessing to killing newborn baby girls is a midwife, and she was not the only one. I shot this footage nearly 30 years ago. I was a young reporter back then, hungry for stories. I had heard about a case of infanticide in Katihar, close to my hometown. So I set off into the villages of Bihar to see if it was true. Were baby girls still being killed at birth? I began by talking to the women who helped deliver them, the midwives. What I found then still shocks me. बताइए कैसे क्या होता था? तो जब लड़की हुआ तो चारों बगल से रूम बंद कर कर को लाठी लेकर को पीठ पर खड़ा हो जाता था। चाटू पांचू बेटी हो गया, इसको मार दो। जब काम आप करती, कभी पुलिस का या कानून का कोई डर लगा आपको मन में? नहीं, बोला कि जिसको बच्ची मरता था वो बोलता था कि हल्ले गदाल नहीं होना चाहिए, तो किसको कहने लिए जाएंगे हम लोग डर से? पुलिस का कहेंगे तो खुद ही हम फंसेंगे। In total, 4 midwives spoke on camera about killing newborn babies. But one of these women let me deeper into the world of the rural midwife and helped me
understand why so many girls were being killed. Her name was Siro Devi. छोटा बच्चा देखकर को कितना हम लोग का दया लगता है ममता लगता है भगवान आज अभी भेज दिया कितना अच्छा लगता है लेने में बहुत खुशी होता है चुम्मा लेने लगते हैं बच्चा को तो क्या है Siro was the sole breadwinner, raising two sons and three daughters. Three daughters who all needed a dowry in order to be married. A dowry could be anything, cash, jewelry, utensils. But for many families in India, a girl has to bring something as a condition of marriage. It's the dowry system that makes sons into assets and doubters into liabilities. बच्चा के जन्म के बाद मारे के तो असली कारण की छ असली कारण वह है दहेज तिलक के बाद नहीं तो आरो कोई कारण नहीं है बेटा कमाई खिलावत तैयो नहीं खिला कमाई खिलावत लोगो बेटा बेटा करे छ Over the years, a trust had grown between Siro and me. But only once in three decades did she confess to killing baby girls. माँ सबको एक अंदाज तो कत्ते तरह तो उसके लोग हम सब खास ज्यादा नहीं मार दोगे वही तो चल पाएंगे आज ये को बोलेगा मारे दास कभी देख चलियो उन्हें तो बच्चा ला चलियो अनिल मैडम के यहाँ जमा कर बच्चा Siro was right. There was more to this story. In the 90s, Anila Kumari ran an NGO that worked with Siro and the other midwives. Long before they confessed to me, it was Anila who had earned their trust and pushed them to confront the issue of infanticide. We are still in touch today. Anila ji, bahut sara cheez mila hai. Ek tasveer dekhiye mera, ye. Ha, yahi. Siro, haan. यही दाई के संबंध में बात कर रहे हैं हाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है वो हमारी सबसे अहम मुद्दा था उनके साथ हम लोगों ने बहुत लंबे समय तक काम किए और दाई को इस तरह से ट्रेंड किए कि आपकी बच्ची अगर होती अगर आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करती तो फिर उनको थोड़ा सा आसुआ कि नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और एक एक करके बच्चियों को बचाने लगी Encouraged by the training they had received, Siro and the other midwives saved at least 5 baby girls and brought them to Anila. One child died, but 4 were put up for adoption. कितने खुश लग रहे हैं आप बच्ची को भगवान का रूप है ना बच्चा किसी का जिंदगी संवर रहा है इससे बड़ी खुशी और क्या हो आपको कभी मन हो मतलब दिमाग में आता है कि अभी कहाँ होगी वो लड़की कितनी बड़ी हो गई होगी हाँ वो तो एकदम लगता है लेकिन मिलना भी चाहते हैं लेकिन संभव नहीं है मिल पाए There was one other person who might know about the girls who had been saved. Almost 30 years ago, Medha Shekhar was working in Bihar documenting cases of infanticide when the babies rescued by Anila and the midwives began arriving at her NGO. I tracked down Medha
and was astonished to find that she was in touch with a girl named Monica, whom she believes is one of the children rescued by Anila and the midwives. आराम से चलिए, कोई टेंशन नहीं है. खूब अच्छे से बात करेगी वो. उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे नेचर के हैं और उन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो अडॉप्टेड है तो बताना नहीं है. हेलो दीची, ऑफ कोर्स मोनिका. हे अमिताभ सर, अमिताभ पराशर. नमस्ते नमस्ते. अरे भागते भागते आ गए उसके इधर. चल बोले मेरे को लेके घोड़ा टकल वाले बाबा, चल लेके. बोलो क्या लड़की है, अपनी जान ना पहचान, हो गई मेहमान. बोले मैंने घर गए, इनको बोला कि वही लड़की लाने और आपको ये उसके पापा की बहुत लड़की है. मैं लकी थी कि आई गॉट अ गुड फैमिली. मेरे लिए जो नॉर्मल लाइफ है, मेरा डेफिनेशन नॉर्मल लाइफ का या हैप्पी लाइफ का है, आई एम लिविंग इट. मैं जी रही हूँ. कभी एक टाइम था जब मैं क्यूरियस थी जाने के लिए कि क्या हुआ रहेगा या फिर व्हाट वुड बी द रीजन. आई लैंडेड अप इन एन ऑर्फनेज. सो जब तुम्हारा बर्थ हुआ ड्यूरिंग उसी टाइम में जो रूरल मिडवाइफ्स होती थी तो वो लोग गाँव में घरों में जाती थी, तो कई केसेस में क्या होता था कि फैमिलीज कहती थी कि बच्ची हुई है और ये हमें नहीं चाहिए, इसको मार दो. और कटिहार की एक एक्टिविस्ट नीला कुमारी, वो मिडवाइफ्स के टच में आया. उन्होंने कहा कि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो. आउट ऑफ दीज सम मिडवाइफ्स दे स्टार्टेड एक्चुअली सेविंग बेबी गर्ल्स. ऑल द एविडेंसेस आर सेइंग दैट यू मे बी वन ऑफ देम. Do you think that, do you want to see your roots where you were from? Everyone wants to see you. Anila is so curious. I feel like they did a hard work and now they are so curious to meet the result. So definitely, yeah, I would like to meet them. And I'm more curious than... Thank you. It's okay. Don't cry. अनिला जी नमस्ते. ये अनिला जी, ये मोनिका. आप दोनों के एक दूसरे को पता ही चुके हैं आप दोनों के बारे में. अनिला जी मुझसे कह रही थी कि एकदम जैसे फिल्म में होता है ना कि फिक्शन जैसा है. मतलब मैं तो सच में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ कभी भी होगा. कितना खुशी हो रही है कि किस रूप में ऊपर वाले तुमको यहाँ तक पहुँचाए हैं. आपने तो बहुत बड़ा काम किया है. अब सोच नहीं सकते. मतलब एक माँ के रूप में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा. ऊपर वाले की महिमा आपका काम है. अच्छे कर्म का फल उसका नतीजा आपके सामने ये सोच सकते हो. हाँ बेटा, आपको बताए थे ना मोनिका है. इसको बच्चे से बहुत लगाव था. अभी बड़ी हो. ए देखिए अंकल से बात कीजिए. अरे नमस्ते. बहुत बधाई आपको. आपने बहुत अच्छा काम किया. थैंक यू. अरे खुश रहिए. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. बहुत बहुत हमको भी बहुत अच्छा.
this is Siro's community. Okay. As you know that she is one of the surviving midwives. Siro ji. Haan ji. किसको मिलवाने आया है पता आपको जिसके बारे में बताए हमने मान दिए थे आपको हमने जीवन बचाने के लिए मान दिए थे आपको पटना में जमा किए थे आपका जीवन बचाने लिए बच्चे I had told Siro that we could not be certain Monica was one of the babies rescued by the midwives but for Siro this was a life she had saved आत्मा हमको शांति हो गया आत्मा हमको भर गया हाँ आत्मा इनको देख लिया हमको जीवन शांति हो गया This adopted girl tag is still valid or it's completely irrelevant for you? So for me, my parents are my parents. And there's nothing as such called as adopted now in my life. But yeah, I would like to mention one thing. I really feel special for being adopted. My parents have given such a wonderful life to me. I don't think I would have got it otherwise. हीरो जी आज समझ लीजिए एक तरह से हमारी आपकी कैमरा में आखिरी बातचीत जब मोनिका से आप मिले तो हम आपको उतना कब आज तक उसके पहले हम रोते आपको नहीं देखे थे उससे मिल के आप बहुत रोए तो क्यों रोए आप मोनिका से मोनिका आई 25-26 बरस पर आई तो हमने देखे वो बच्चा को तो हमरा मन सबर हो गया कि हाँ बच्चा को जो हम लोग बचाएं तो कहूँ जीवन दान दिए बच्चा को तो बच्चा को हम देखें तो हमको सबर हो गया लेकिन कहीं ये भी तो नहीं आपको अंदर से लगा कि उन बच्चियों की याद आ गई जो आपके हाथ से जो मारी गई नहीं नहीं उनका याद नहीं किए उनका याद नहीं की जब आप एकदम अकेली होती हैं, जब आसपास कोई नहीं होता है कभी कोई ऐसी बच्ची की याद आई आपको जिसको आपने बहुत साल पहले मारा होगा अपने हाथों से नहीं किए ये सच्चाई है कि आपने कहा है कि हम ज्यादा नहीं 3-4 मारे हैं जे पहले जमाना में जे हुआ से हुआ दाइयों का काम है बचाने का किस तरह का बच्चा को बचाए मारने का कोशिश तो हम लोग नहीं करेंगे मारने जीने का तो दुनिया में भगवान है जन्म देने वाला भी मारने वाला भी भगवान को खेती है गौरव पटगिल्ली आपने थोड़ा ट्रस्ट शो किया था कि किस कंडीशन में वो मिली थी देखिए आप लड़की किधर का
So, जब वो आप उसको लेके घर आए तो so what kind of the feelings reactions you had? I remember we got her at around 6 o'clock in the evening till 12 o'clock midnight. She was just crying. She was missing her room. She was missing her toys. She was missing the touch of people who were taking care of her. I mean, going through all that process, na, we were very surprised that a 6 months old baby is having a separation anxiety. Yeah. We were not aware. After almost 24 to 48 hours, she was comfortable with us. Ah, hey, Hari, Ida, Hari. इसको पहली बार मैं कटिहार में मिला. आजा, आजा. She's now 10 months old. We have kept her name Edha, Edha Divedi. Edha means happiness, and definitely she is the happiness of her family. Ma is very important.